नमस्कार दोस्तों, बुक ऑडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त आरजे सरिता। सत्यभामा, सत्यजीत, राघव, दादी, कोमल, राखी आदि तमाम तरह के किरदारों से गुथी हुई ये प्रेम कहानी तुम्हारे लिए आज अपने अंतिम पड़ाव तक पहुंच गई है। क्या होगा कहानी में आगे, जानने के लिए सुनते रहिए बुक ऑडियो। पापा, अपने पापा को दरवाजे पर देखते ही राखी खुद को रोक नहीं पाई और आरती की थाल लिए पुकार उठी। मेरे ठीक होने से ज्यादा खुशी मुझे तुम्हारी आंखों की रोशनी लौटने से हो रही है बेटा, राखी के पापा ने आगे कहा। जब तुम्हारी आंखें ठीक होने की खबर मैंने सुनी तब मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हें देखते हुए देख पाऊंगा। मैंने तो जिंदा घर लौटने की उम्मीद ही छोड़ दी थी बेटा। बच्चों के सामने बड़े रोए तो अच्छा नहीं लगता पापा, राखी ने कहा। मैं नहीं, अब इस घर का वास्तविक बड़ा तो सत्य बन गया है। उसने इन दिनों ऐसा काम किया है कि उसके पापा उसके सामने नतमस्तक हैं, पापा ने कहा। अब आप दोनों बाप बेटी सारी बातें दरवाजे पर ही खड़े होकर करोगे क्या, सत्य की माँ ने कहा। आइए पापा, राखी ने पापा का हाथ पकड़कर भीतर ले जाते हुए कहा। तो कोमल चली ही गई। घर में सभी और नजरें घुमाने के बाद नहीं दिखने पर सत्य के पापा ने कहा, पानी पी लीजिए। सत्य की माँ ने ग्लास आगे बढ़ाते हुए कहा। तुमने मुझे माफ नहीं किया क्या सत्य की माँ, उसके पापा ने पूछा। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप, सत्य की माँ परेशान हो गई। क्योंकि तुम मुझसे पहले की तरह ही आज भी बात छुपाने की कोशिश कर रही हो कि कहीं मैं तुम्हारे बेटे पर फिर से कोई दोषारोपण ना करने लगूं, सत्य के पापा ने कहा। जी सत्य की माँ जिस सच से उसके पापा को कुछ दिन तक दूर रखना चाहती थी उसमें सफल नहीं हुई। देखो, तुम सिर्फ सत्य और राखी की माँ ही नहीं, मेरी पत्नी भी हो, जिसे अब तक मैं इसलिए चाहता था कि मेरे बच्चों की माँ हो। पर मैंने अस्पताल में भी तुमसे क्षमा मांगी थी और आज फिर कहता हूँ कि ये मेरा नया जीवन तुम और तुम्हारे बेटे की देन है जो सिर्फ तुमसे प्यार करता है। आप भी ना, बच्चों के सामने ये क्या कहने लगे, सत्य के माँ ने शर्म से नजरें झुका ली। आपका जो भी कहने का मन कर रहा है कह दीजिए पापा, हमें अच्छा लग रहा है, राखी ने कहा। मैं सच कह रहा हूँ सत्य की माँ कि बुढ़ापे में ही सही, पर मैं भी अब तुम्हारे प्रेम के दर्शन से सहमत हूँ कि पैसा महत्वपूर्ण होता है पर प्यार के बिना जीवन का कोई मतलब नहीं है। मैंने बहुत देर कर दी पर अब सोच लिया है कि इस घर को बेचकर गिरवी का पैसा चुकाने के बाद जितना भी पैसा बचेगा उसका छोटा सा फ्लैट लेकर हम बाप बेटे दोनों मिलकर काम करेंगे और अपना घर चलाएंगे। और अब कर्ज मुक्ति या उससे अधिक रुपया कमाने के जुनून में नहीं जीना है, अपने इस प्रेमिका और उसके बच्चों के साथ प्रेम से जीना चाहता हूँ, सत्य के पापा ने उसकी माँ का हाथ थामते हुए कहा। तो हम लोग क्या आपके बच्चे नहीं हैं पापा, सत्य और राखी ने एक साथ कहा। मैंने तो नालायक बेटा और नेत्रहीन बेटी दी थी तुम्हारी माँ को, पर तुम्हारी माँ ने मुझे लायक और होनहार बेटा और सारी दुनिया की खुशियाँ अपनी आंखों में समेटी हुई बेटी मेरी गोद में डाल दी है, सत्य के पापा ने कहा। आप जिसका श्रेय मुझे दे रहे हैं उसके वास्तविक हकदार तो कोई और ही है, सत्य की माँ ने भामा को आते देखकर आगे कहा। देखो, मैंने इस घर पर खुशियां बरसाने वाली का नाम लिया और वो खुद चलकर आ गई। तो क्यों ना मैं अपने घर पर खुशियों की बारात लाने वाली का स्वागत भी इस जलते दीप से कर लूं, कहते हुए राखी जिसके हाथ में अब तक आरती की थाल और पुष्प थे उसके साथ ही भामा की ओर बढ़ गई। ये तुम क्या कर रही हो राखी, खुद की आरती करते देख राखी से भामा ने कहा।
तुमने जो कुछ इस घर के लिए किया है उसके बदले में धन्यवाद कहकर भगा तो नहीं सकती, इसलिए थोड़ा सा स्वार्थी बनकर अपने मम्मी पापा और भैया की झोली में उनकी खुशियां डालने की कोशिश कर रही हूँ। राखी ठीक कह रही है भामा। आरती की थाल से पुष्प लेकर भामा के ऊपर बरसाते हुए सत्य की माँ ने आगे कहा, खुशी जब हाथ लगे तो खुले मन से तुरंत ही इसका स्वागत कर लेना चाहिए। मैं तुम्हें अपने घर लाने के लिए अच्छे मुहूर्त की राह देखती रही और तुम्हें खो दिया था। ये गलती अब मैं दोहराने वाली नहीं हूँ। आओ बेटा, सीधा पैर आगे बढ़ाते हुए अपने घर में आओ। सत्य की माँ भामा का हाथ पकड़कर गृह प्रवेश कराने लगी। भामा, उसकी दादी राखी, सत्य और उसके मम्मी पापा के साथ ही पीछे खड़े पूरब और काजल की आंखों में प्रेम रस भर आया। ये भी अजीब बात है, कहने को तो सब खुश हैं, फिर भी सबकी आंखों में आंसू हैं, राखी ने कहा। ये तो खुशी के। जानती हूँ दादी, पर मुझे तो खुशी में भी ये धुंधलापन पसंद नहीं, अपने आंसू पोंछते हुए राखी ने आगे कहा। पापा, पूरब भैया आपके लिए उपहार लेकर आए हैं, उसे पढ़ने के लिए आंसू तो पोंछने ही होंगे। इस प्रेम रस की तो अभी बारिश होने वाली है बेटा, सत्य की माँ ने कहा। पर पहले इसे पढ़ तो ले आंटी जी, कि मैं उपहार में कौन सा पेपर लाया हूँ, पूरब ने फाइल आगे बढ़ाते हुए कहा। मुझे मालूम है कि इसमें हमारे गिरवे पड़े दोनों फर्मों की मुक्ति के पेपर हैं, जिन्हें बैंक का कर्ज चुकाकर भामा के कहने पर पूरब लाया है। साथ ही सत्य के रिहाई के भी पेपर हैं, जिसे कोमल ने अपने मन मर्जी से पैसा मिलने के बाद दिया है, सत्य की माँ ने कहा। लेकिन आंटी जी, आपको कैसे पता, भामा ने पूछा। तुमने राघव को बताया, राघव ने राखी को, और राखी ने मुझे, कि तुमने सत्य के पापा को कर्ज मुक्ति का उपहार देकर सत्य को चिंता मुक्त कर दिया है, सत्य की माँ ने कहा। मुझे तो तभी शक हो गया था जब पूरब अचानक प्रकट होकर बैंक का ऋण चुकाने की योजना लेकर आया था। मैंने दुनिया को इतना तो समझ लिया है कि कर्ज में डूबे व्यक्ति का हाथ कोई नहीं थामता है। कोमल को ही देख लो, जिस तरह जहाज में छेद होने पर सबसे पहले चूहे भागते हैं, उसी तरह प्यार का दावा करने वाले भी विपरीत परिस्थितियों में भागने वालों में सबसे आगे होते हैं। ये तो मेरी खुशकिस्मती है कि भामा जैसी चाहने वाली है मेरे जीवन में, प्रेम का दावा करने वाली नहीं, जिसने कभी चाहत का दंभ नहीं भरा पर प्यार निभाती रही, और आखिर में उसने स्टेट बैंक का अपना सारा शेयर बेचकर हमारी इज्जत बचा ली। पर तुम्हें किसने बताया, भामा ने आश्चर्य से पूछा। वो तो मैंने तुम्हारी आंखों में देख लिया था जब तुम अस्पताल आई थी, सत्य ने हंसते हुए कहा। ये तो गलत बात है, जिसने भी आपको बताया है सत्य, उसने मेरे साथ चीटिंग की है, भामा ने आगे कहा। राखी, ये अच्छी बात नहीं है, और राघव, माना तुम और राखी दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, पर क्या, सत्य ने आश्चर्य से पूछा। पूरी बात तो भामा जी आपको बता ही देंगी भैया, पर जरूरी बात मैं बता देती हूँ कि राघव और भामा जी ने शादी नहीं की है। रहने दे राखी, रहने दे, यहाँ उपस्थित प्रेमी जोड़ों में एक दूसरे से सबसे अधिक प्रेम करने वाले सत्य और भामा ही हैं। तो फिर ये दोनों एक दूसरे से कुछ बात छुपा सकते हैं क्या, मतलब तुम दोनों ने हमें भी अंधेरे में रखा, काजल और पूरब ने कहा। हाँ, मुझे भामा ने अभी अभी मैसेज से बताया कि राघव और राखी। हम भी तुम्हारी बहन है भैया, तो प्रेम के सागर में हमने भी डुबकी लगा ही ली, राखी ने गर्व से कहा। भामा, तुम तो सचमुच ही मेरे घर के लिए प्रेम की देवी बनकर आई हो, और हम सबको अपने ही रंग में रंग लिया, और दुखों के भव सागर से प्रेम के सहारे नैया पार लगा दी, सत्य के पापा ने कहा। मेरी भामा ने सत्य के विरह में चुपके चुपके बहुत आंसू बहाए हैं, अब इसकी आंखों में कभी आंसू मत आने देना बेटा, भामा की दादी भी भावुक हो गई।
तो आप भी भामा को सत्य के हवाले ही करने का मन बनाकर आई थी? पूरब ने कहा। तुम भूल रहे हो पूरब कि मैं भी भामा की दादी हूं। दादी की भी हंसी छूट गई थी। तो अंततः सत्य जीत ही गया। कौन से सत्य की बात कर रही हो माँ? सत्य के सच्चे प्रेम को आखिर भामा का साथ मिल ही गया राखी, माँ ने कहा। ये कहिए माँ कि हमें भामा मिल गई। सत्य भामा तो वास्तव में कभी अलग हुए ही नहीं थे, राखी ने कहा। बिना किसी के कुछ कहे, बिना किसी स्वार्थ के, निस्वार्थ भाव से मेरी भामा ने ये सब सिर्फ तुम्हारे लिए किया है, सत्य भामा की दादी ने कहा। और आधुनिकता की अंधी दौड़ में भागते हुए सत्य के पैर तुम्हारे प्यार की बेड़ी लगते ही हम सबके पास लौट कर आया है, तो वो भी सिर्फ तुम्हारे लिए ही भामा, कहते हुए सत्य की माँ ने उसे गले से लगा लिया।